अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सब कुछ फ़ाय कामला अता करे इस रमज़ान के सदक़े, और जो परेशान हैं अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान ही परेशान है महंगाई से, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और स्पेशली फ़लस्तीन के मुसलमान बच्चों के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, अल्लाह उनको अपनी अमान में रखे, उन पे जो जुल्म सितम हो रहा है अल्लाह ताला जो है उनके साथ हो और अल्लाह उनकी मदद करे। और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप भी उन्हें दुआओं में याद रखें, उनके लिए ख़ास और खसूसी दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मदद करें। तो जी यहाँ पर मैंने कुछ पालक कटिंग कर ली है, धनिया कटिंग कर ली है, अफ्तारी की तैयारी हो रही है, सहरी की कुछ छोटी मोटी रूटीन आपके साथ मैंने स्टार्टिंग में या इंट्रो में मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आलू मैं पकौड़ों के लिए काट के पानी में भिगो के रख दूँगी, क्योंकि आपको पता है कि पकौड़े बिल्कुल एंड पे फ्राई होते हैं, तो एंड पे इनका मसाला बिल्कुल जस्ट साथ ही मैं इनका बनाऊँगी और साथ ही इनको फ्राई कर दूँगी। और जी हाँ, तो चलते हैं, सारी तैयारी करते हैं, अफ्तारी की और कुछ कर लेते हैं बातें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की सबकी थैंकफुल हूँ, जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को, पिछली आने वाली जो दो वीडियोस हैं उनको लाइक किया और कमेंट किया, स्पेशली लास्ट वाली वीडियो में और उससे पहले जो वीडियो मैंने डाली है उसमें कॉमेंट कंजूसी हो गई, पता नहीं क्या वजह हुई। जो लोग नॉर्मली रेगुलर कॉमेंट कर रहे थे वो लोग भी गायब हो गए, तो खैरियत है, उनसे मैं पूछना चाहूँगी। और जिन लोगों ने स्पेशली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और मेरी इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक वगैरह वगैरह इधर उधर से जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया, स्पेशली इंस्टाग्राम आईडी से जिन लोगों ने मुझे आके कमेंट किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट और लाइक किया करें, तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरे लिए बहुत प्राउड होगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा और देखने के बाद आप ही ने कॉमेंट किया। तो वहाँ पर तो नॉर्मली आप कर रहे हैं तो सिर्फ मुझे पता चला है, मेरे बाकी देखने वाले नहीं देख सकते, तो वहाँ पे आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मेरे जो बाकी देखने वाले लोग हैं, यूट्यूब फैमिली है, वो भी आपके कमेंट पढ़ सकेंगे, रीड कर सकेंगे। तो काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वहाँ पर जा किया करें कॉमेंट, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया, बट आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखी, शुक्रिया, इस बात पर तो थैंक्स बनता है। तो फीडबैक आप लोगों का माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है। इससे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगी कि अल्लाह ताला का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे यहाँ पर इस स्टेज पर लेकर आए, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं थी, मगर अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल वीडियो भी इतनी ख़ास कोई नहीं मैं बनाती कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा, और रेगुलर भी नहीं बना रही, दरमियान में बहुत स्किप हो जाती हैं, तो वो भी चीज़ है। मगर उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी दी, ये भी अल्लाह ताला का करम है, और आप सब दोस्तों का कमाल है जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक किया और कमेंट किया, वॉच किया, स्पेशली वॉच किया, तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और यही प्यार है, यही मोहब्बत है आप लोगों की तरफ से कि आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। अल्लाह के पास स्पेशली ये क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है, और स्पेशली उन लोगों को जो रेगुलर मेरी वीडियोस को बिल्कुल स्किप नहीं करते और हर आने वाली वीडियो को वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कॉमेंट कर रहे हैं, उनका हाथ है। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दे, खुश रहे रखे, और अल्लाह ताला आप लोगों को मुझसे ज़्यादा कामयाबियाँ अता करें, खुशियाँ दे, और अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, सबकी खुशियाँ अल्लाह ताला आप लोगों को दिखाए। तो यहाँ पर जी अफ्तारी की ऑलमोस्ट तैयारी मैं कर चुकी हूँ, चने चाट के लिए तैयारी मैं कर चुकी हूँ, इसमें मसाला मिक्स किया है मैंने, और मसाला मिक्स करने के बाद मसाला थोड़ा मैंने लाइट रखा है, बाकी ये सारी चीज़ें फ्रीज हुई हुई थी, आलू बॉयल कर लिए थे मैंने कट करके, अब इसमें मसाला वगैरह मिक्स करने के बाद ये मैंने अलग से बगैर मिर्ची की, मतलब लाइट स्पाइसी जो है वो मैंने अलग कर ली, और उसके बाद उसको मैंने ज़रा स्पाइसी करना है। अब मैं बेसन की यहाँ पे तैयारी करने लगी हूँ, यहाँ पे मैं बेसन डालूँगी, थोड़ा सा मैं मैदा डालूँगी, इसमें ज़ीरा, हल्दी और धनिया और बाकी चीज़ें जो मसाला जात हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें भी जानी है, इसमें स्पेशली पकौड़ा मसाला भी जाना है। यहाँ पर मैंने अनारदाना डाल दिया, और ये है स्पेशल पकौड़ा मसाला दाऊद वालों का,
ये बहुत अच्छा है और बहुत मज़े के ऐसे पकौड़े बनते हैं। इसमें बिल्कुल बैलेंस सारे मसाला जार डाले गए हैं। यहाँ पे मैंने इसमें पालक धो के रख दी थी स्टेन करने के लिए, तो वो भी मैंने इसके अंदर पालक धनिया मेथी सब मिक्स करके रखा हुआ है, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। साथ में मैंने कहा सहरी की तैयारी भी कर ली जाए, तो मैं साथ में सहरी की भी इफ्तारी की तैयारी करते करते साथ में ही अगर टाइम हो तो जैसे कि आटा वाटा गूंदना हो या बाकी कुछ बना के रखना हो तो वो भी मैं साथ में ही कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए इजी रहे। रात के टाइम पे कोशिश यही होती है इफ्तारी के बाद के कोशिश करें कि आप इबादत कर लें। यहाँ पे जी हम फ्रूट चाट बना रहे हैं और फ्रूट चाट बन रही है साथ साथ, माशाल्लाह से अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, कितने खूबसूरत कलर हैं जी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कौन से शहर में से कहाँ से आप लोग देख रहे हैं और आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। बताना मत भूलिएगा कि आज के वीडियो और आज की बातें आपको कैसी लगी स्पेशली। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अफ्तारी कर चुके हैं और सामने ये देखें पहाड़ पे आग लग चुकी है, अफ्तारी के बाद ही पता चला है। तो रेस्क्यू टीमें सारी पहुंच चुकी हैं, तो दुआ है कि बेज़ुबान परिंदों को अल्लाह ताला महफूज रखे। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।